क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव मिस्टर एक्स अ गवर्नमेंट इम्प्लॉय एंड सिटीजन ऑफ इंडिया आई सेंड टू लंडन ऑन ऑफिस ड्यूटी ऑन फर्स्ट जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ही स्टेज देयर अप टू थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू डेट से आपको समझ में आ गया होगा प्रीवियस ईयर है इस बुक के अकॉर्डिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू और असेसमेंट ईयर एक साल आगे का होता यानी कि टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री मिस्टर एक्स एक गवर्नमेंट इम्प्लॉय है और इंडिया के सिटीजन है इनको लंडन भेजा गया है ऑफिस ड्यूटी के लिए कब से कब तक फर्स्ट जून 2021 से लेकर थर्टी फर्स्ट जनवरी टू यानी कि आठ महीने के लिए इनको लंडन में ऑफिस ड्यूटी के लिए भेजा गया है द सैलरी एंड अलाउेंज ड्रॉन बाय हिम ड्यूरिंग दिस पीरियड आर आ बिलो मतलब इस पीरियड में जो भी इन्होंने सैलरी ड्रॉ की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है सैलरी और अलावेंसेज हर चीज के बारे में फोर मंथ सैलरी इन इंडिया टू लाख रूपीज एट मंथ सैलरी इन लंडन फोर लाख रुपीस पहले तो ये चार महीने और ये आठ महीने कैसे हुए सबसे पहले लंदन वाला आप देख लो सीधे सीधे लिखा है फर्स्ट जून से लेकर थर्टी फर्स्ट जनवरी तक वो लंदन में थे यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जनवरी में भी थर्टी फर्स्ट तक थे इसलिए जनवरी भी काउंट होगा तो आठ महीने लंडन में हो गए बचे चार महीने इंडिया में कैसे भाई अप्रैल से हमारा स्टार्ट होता है प्रीवियस ईयर तो अप्रैल मई इंडिया में फिर जून से जनवरी तक लंडन में फिर फेबर मार्च यानी कि चार महीने इंडिया में ठीक तो चार महीने की सैलरी जो इंडिया में इन्होंने ड्रॉ की थी वो है दो लाख रुपए और लंडन में जो आठ महीने की सैलरी इन्होंने ड्रॉ की है वो है वो लाख रुपए ये दोनों ही के दोनों इनकम फ्रॉम सैलरी में फुल्ली टैक्सेबल होंगे मिस्टर एक्स को गवर्नमेंट का काम ऑफिस का काम करने के लिए ही ये सैलरी दे रही है तो फिर ये जो सैलरी होती है ये फुल्ली टैक्सेबल होगा चाहे इंडिया में मिले या फॉरेन में मिले ठीक है आगे ओवरसीज अलावेंस वन लाख नाइन ना� सिक्स थाउजेंड रूपीज फ्री रेजिडेंस इन लंडन टू लाख फोर्टी थाउजेंड रेंट रुपीज थर्टी थाउजेंड पर मंथ फॉर एट मंथ तो ओवरसीज अलावेंस और फ्री रेजिडेंस इन लंडन ये दोनों ही के दोनों टैक्सेबल नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे ओवरसीज अलावेंस ऑफ वन लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड एंड वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस रूपीज टू लाख फोर्टी थाउजेंड आर नॉट टैक्सेबल इन दिस केस एज ऑल अलावेंसेज एंड पर्केजेट पेड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंगे देखो ओवरसीज अलावेंस और रेंट फ्री हाउस क्यों नहीं टैक्सेबल होगा ओवरसीज अलावेंस एक अलावेंस है रेंट फ्री हाउस पर्जेट है ठीक है इंडिया में मिलते हैं जैसे रेंट फ्री हाउस इन सब का टैक्सेबल करते हैं कुछ पोर्सन लेकिन जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को इंडिया का, का काम करने के लिए रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया के बाहर इंडिया का काम करने के लिए कोई भी अलावेंसेज और पर्केजेट अगर पे कर रहे होंगे तो उसको नहीं इंक्लूड करना है टोटल इनकम में ये सेक्शन टेन सबसेक्शन सेवन ये बात कहता है ठीक है तो ध्यान रखना ये चीज इंडियन सिटीजन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी अलाउेंसेज एंड अगर इंडिया के बाहर जहां पे उनको काम करने के लिए भेजा गया वहां पे पे हो रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा सेक्शन टेन सैलरी वॉज स्पेंट इन लंडन एंड नथिंग वॉज ब्रॉड टू इंडिया भले ही वो आठ महीने की सैलरी पूरी की पूरी उन्होंने लंदन में स्पेंड कर दी थी और कुछ भी इंडिया नहीं लाए थे उससे हमको मतलब नहीं है ये इंडियन गवर्नमेंट ने इनको दिया हुआ था सैलरी तो सैलरी जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है चाहे इंडिया में मिले या फॉरन में मिले ठीक है इससे कोई मतलब नहीं बाकी ये दोनों नहीं लेने ही ओन्स प्रॉपर्टी इन दिल्ली विच ही यूजेस फॉर हिज रेजिडेंस ठीक है दिल्ली में इनका एक प्रॉपर्टी है जिसको ये रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज स्टे इन लंडन द हाउस वॉज ऑक्यूपाइड बाय हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस इज रुप सिक्सटी थाउजेंड म्यूनिस्पल टैक्स पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द हाउस ड्यूरिंग द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू व रूपीज नाइन थाउजेंड एंड ग्राउंड रेंट पेड रूपीज वन थाउजेंड वही देखो इन इनके पास दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है जिसको लंदन में, तो तो रह में थे इनकी ही वाइफ और इनके ही बच्चे रह रहे हैं तो ये तो फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस हो गया ठीक है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील सब कुछ नील एनुअल वैल्यू नील सीधे डिडक्शन मिलता है तो यहां पर लोन से रिलेटेड कुछ दिया नहीं है तो वो भी डिरेक्शन में कुछ नहीं आएगा तो पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं लाएगा हिज सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट इन इंडिया वॉज रुपीज थर्टी थाउजेंड इनका बैंक में सेविंग अकाउंट था उससे इनको इंटरेस्ट मिला इंडिया में थर्टी थाउजेंड रुपीज तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुली टैक्सेबल होता है जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट होता है फुली टैक्सेबल उसके बाद अभी मैंने क्या बताया था तो इससे पहले वाले जैस क्वेश्चन में सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो जाएगा ही जाएगा उसके बाद एटी टी, टी, टी में भी डिडक्शन मिलता है ए क्या कहता है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट कौन एंटाइटल्ड है एक इंडिविजुअल या फिर एच तो ये इंडिविजुअल है और डिडक्शन uh, तभी मिलेगा जब सेविंग अकाउंट बैंक के साथ होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस के साथ तो ये बैंक के साथ है, इसलिए अलाउ है क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है होल ऑफ सच इनकम और टेन थाउजेंड रुपीज एवर इज ले तो यहाँ पे कितना इनको इंटरेस्ट मिला है थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड और टेन थाउजेंड विच इज लेस हजार अलाउ होगा पूरा पूरा नहीं अलाउ होता है मिला था, इसलिए दस हजार रुपए लेस हो जाएगा दूसरी चीज एटी टीटी केवल नॉन सीनियर सिटीजन के लिए यानी कि साठ साल से जो कम के हैं जो साठ साल के ऊपर के लोग हैं उनके लिए एटी टीटी बी बना है तो यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन इस क्वेश्चन में तो हम मानेंगे नॉन सीनियर यानी कि साठ साल से कम के ठीक है आगे ही पेड रूपीज ट्वेंटी थाउजेंड डोनेशन टू तो अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय चेक टू विच सेक्शन एटी जी अप्लाइज इन्होंने डोनेट किया है किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को चेक के द्वारा और जिसमें एटीजी अप्लाई होता है कुछ नहीं मेंशन है है कि है। सिर्फ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जब बोला रहता है तो हम इसको सीधे भेज देते हैं एटीजी के डी कैटेगरी में यानी कि विथ लिमिट के फिफ्टी परसेंट कैटेगरी में तो इसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कंप्यूट टोटल इनकम सोल्यूशन देखते हैं ट्वेंटी का सबसे पहले फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो लिखेंगे हम तो इस बुक के अकॉर्डिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 सबसे पहले हेड इनकम फ्रॉम सैलरी सैलरी कितना दिया हुआ है भाई सैलरी दे रखा है फोर मंथ सैलरी जब वो इंडिया में थे वो है टू लाख रुपीस, उसके बाद एट मंथ सैलरी जब वो लंदन में अपॉइंट किए गए थे ऑफिस ड्यूटी के लिए तो सैलरी चाहे बाहर मिले चाहे यहां पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वो फुल्ली टैक्सेबल होता है तो ये है फोर लाख रुपीस तो फोर लाख प्लस टू लाख सैलरी हो गई सिक्स लाख रुपीस पर एनम उसके बाद दिया हुआ है ओवरसीज अलावेंस और फ्री रेजिडेंस इन लंडन तो अभी हमने पढ़ा कोई भी अलावेंसेज या पर्केजेट जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन सिटीजन को इंडिया के बाहर काम करने के लिए मिलता है तो वो टोटल इनकम में नहीं इंक्लूड होगा ठीक है आगे तो फुल अमाउंट ऑफ एट मंथ सैलरी वॉज स्पेंड इन लंडन एंड नथिंग वॉज ब्रॉट टू इंडिया उससे हमको मतलब नहीं है सैलरी मिला तो फुली इटेक्सेबल उसके बाद है हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सैलरी से रिलेटेड और कुछ नहीं है तो यही सिक्स लाख रूपीज हो गया हमारा ग्रॉस सैलरी इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन इसमें फिक्स होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स होता है फिफ्टी थाउजेंड उसके बाद अगर इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया होता तो ये गवर्नमेंट इंप्लॉई है कुछ डिडक्शन मिलता तो इंटरटेनमेंट अलाउंस इनको मिला ही नहीं है तो क्या लेना है पे इंप्लायमेंट टैक्स भी नहीं दिया हुआ है तो वो भी नहीं लेना है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज है सीधे आप इसको लेस करो फिफ्टी थाउजेंड को और इसको लेस करोगे तो ये आ जाएगा फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी उसके बाद नेक्स्ट हेड कौन सा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो यहां पे इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ये एक दिल्ली में हाउस था जिसको कि रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल करते थे बाकी जब वो लंदन में थे तब उनकी वाइफ और बच्चे रह रहे थे तो वाइफ और बच्चे कोई टेनेंट हो न हुए वो तो उन्हीं का परिवार हुआ तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जब कंडीशन रहता है तब एनुअल वैल्यू सीधे निल हो जाता है ठीक है उसके बाद हम लेस डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 24 जिसमें की 30% परसेंट ऑफ एनुअल वैल्यू वो तो नि ही आना है उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड दोनों ही यहां पे नहीं है इंटरेस्ट लोन घर के लोन से रिलेटेड कुछ भी दिया नहीं है कि घर पे लोन लिया गया है नहीं लिया है कुछ भी नहीं बताया गया है तो ये भी नि ही होगा इसका मतलब कि जो हाउस प्रॉपर्टी से इनका कोई भी इनकम नहीं हुआ ठीक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील ठीक है हाउस प्रॉपर्टी के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दे रखा है कि सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट इन इंडिया तो सेविंग बैंक अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो फुली टैक्सेबल होता है तो आप यहां लिखोगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट इन इंडिया थर्टी थाउजेंड रुपीज और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी अदर सोर्सेस की तो यहीं पे आप लिख दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बस हाउस प्रॉपर्टी सैलरी और अदर सोर्सेस का इंफॉर्मेशन दिया था कैपिटल गेन्स और पीजीबीपी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं तो आप इन्हीं तीनों को ऐड कर दोगे बस तो हाउस प्रॉपर्टी वैसे भी नील है बस सैलरी और अदर सोर्सेस बचा तो फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस थर्टी थाउजेंड यह हो गया फाइव लाख एटी थाउजेंड ये आ गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लेस करेंगे deductions under section 80C to 80U तो यहाँ पे सबसे पहले एक है 80G तो 80G तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले तो और कौन कौन सा है और एट्टी टी टी ए तो पहले हम वो लिख लेते हैं क्योंकि वैसे भी एट्टी जी में हमको जरूरत पड़ता है दूसरे सेक्शन का तो एटी टी टी ए एटी में क्या है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट तो इसका लिमिट होता है कुछ भाई देखो जब नॉन सीनियर सिटीजन है तो इसका रहता है जो भी इंटरेस्ट मिला है तो यहां पे कितना इंटरेस्ट मिला थर्टी थाउजेंड तो थर्टी थाउजेंड रुपीज और टेन थाउजेंड फिक्स होता है ठीक है थर्टी थाउजेंड रुपीज और टेन थाउजेंड इन दोनों में से विच एवर इज लेस तो भाई साफ साफ को दिख रहा है कि दस हजार रुपए कम है तो दस हजार रुपए का बस एटी टीटीए में डिडक्शन मिलेगा ठीक है फिर से देख लो आप भाई इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स से अकाउंट इनको मिला था तीस हजार तो हम लिखते हैं थर्टी थाउजेंड और तो मतलब कि अमाउंट जो मिला है और टेन थाउजेंड विच एवर इज लेस तो यहां पे लेस था ये दस हजार रुपए तो दस हजार रुपए हमने लिख दिया अब हम कैलकुलेट करेंगे एटीजी अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एट्टी जी तो एट्टी जी को हम चार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं पहले इसको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं इधर नो no लिमिट फिर इस साइड विथ लिमिट नो लिमिट को भी दो कैटेगरी में बांटते हैं हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट हंड्रेड परसेंट और ये फिफ्टी परसेंट ये हो गया कैटेगरी ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी और कैटेगरी डी यहां पे इस क्वेश्चन में केवल बोला गया है कि ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज डोनेट किया गया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में बाय चेक तो जब कुछ नहीं मेंशन होता है कि कहा मेंशन है सिर्फ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मेंशन है तो सीधे हम विथ लिमिट के फिफ्टी परसेंट यानी कि कैटेगरी डी में भेज देते हैं तो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज यहां पहले हम अमाउंट लिखेंगे और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है टीजी का बस यही बोला गया अगर इधर होता हंड्रेड परसेंट या फिफ्टी परसेंट में तो यहां तो कुछ लिमिट नहीं है अगर यहां पे होता तो ट्वेंटी थाउजेंड का हंड्रेड परसेंट यानी कि पूरा बीस हजार ले, ले लेते अगर यहां होता तो ट्वेंटी थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट यानी कि दस हजार ले लेते लेकिन ये विथ लिमिट में है तो पहले हमको लिमिट कैलकुलेट करना होगा तब हम उससे कंपेयर करेंगे ठीक तो लिमिट हम कंपेयर करेंगे सबसे तो पहले लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है लिमिट निकालने का फॉर्मूला होगा टेन ऑफ एडजस्टेड जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम का नहीं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का टेन परसेंट होगा तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड जीटीआई तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना है ग्रॉस टोटल इनकम है फाइव लाख एटी थाउजेंड उसमें से सबसे पहले हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन एट्टी सी टू एटीयू एक्सेप्ट एटी जी भाई एटी जी का ही तो कैलकुलेट करना है तो एट्टी जी इसलिए एक्सेप्ट रहता है तो एट्टी सी टू एट्टी यू के बीच में कोई भी डिरेक्शन आया होगा वो आपको यहां लेस करना होता है तो इस क्वेश्चन में केवल एक ही सेक्शन से रिलेटेड डिरेक्शन है जी को छोड़ के एटी टी टी ए तो आप यहां लिखो एट्टी टी टी ए टेन थाउजेंड रुपीज उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो नहीं है उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन के साथ हो ना या ना हो यहीं पे लेते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए के साथ होना चाहिए ये सेक्शन मेंशन होना चाहिए तो ये भी नहीं है यहां पे तो बस टेन थाउजेंड रुपीज आप लेस करोगे तो ये हो जाएगा फाइव लाख सेवेंटी थाउजेंड ये हो गया एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम थाउजेंड तो लिमिट हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे टेन परसेंट ऑफ एडजस्टेड जीटीआई ऑफ फिफ्टी सॉरी टेन परसेंट ऑफ फाइव लाख सेवेंटी थाउजेंड तो ये हो गया फिफ्टी सेवन थाउजेंड रुपीज लिमिट आ गया हमारा तो ये जो लिमिट आया है इसको हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो यहाँ पे हम पुट करेंगे फिफ्टी सेवन थाउजेंड लिमिट अब हमारा काम है कंपेयर करना इसे तो भाई देखो 57,000 का पहले जो लिमिट का अमाउंट होता है इसको हम पूरा यहां 100% वाले में यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं तो यहां पे नहीं यूटिलाइज हो पाए यहां पे तो निल है तो यहां पे नील वैल्यू ही यूटिलाइज होगी कुछ नहीं यूटिलाइज हो पाएगा तो अब यहां आते हैं तो फिफ्टी और ये ट्वेंटी थाउजेंड तो ये ट्वेंटी थाउजेंड लिमिट के अंदर है इसलिए ट्वेंटी थाउजेंड पूरा क्वालिफाई हो जाएगा फिर से देखिए आप भाई 57, था पहले हम यहां पे यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं तो यहां पे कोई वैल्यू नहीं थी तो यहाँ तो यहां हो गया तो फिफ्टी सेवन थाउजेंड अभी भी पूरा लिमिट का बचा हुआ है यहां पे हमारे पास आ, है कितना अमाउंट डी कैटेगरी में ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज जो कि लिमिट के अंदर है तो जब लिमिट के अंदर है तो ये ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पूरा क्वालिफाई होगा तो ट्वेंटी थाउजेंड का पूरा क्वालिफाई हो गया अब इस पे जो हम डिडक्शन लगाएंगे वो लगाएंगे तो वो है फिफ्टी परसेंट तो ट्वेंटी थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट यानी कि टेन थाउजेंड रुपीज ये आ जाएगा एट्टी जी का वैल्यू एट्टी जी इज इक्वल टू टेन थाउजेंड रुपीज तो ध्यान रखना आप हमने ट्वेंटी थाउजेंड का डायरेक्टली नहीं किया टेन पर फिफ्टी परसेंट सबसे पहले हमने लिमिट निकाला हमने लिमिट से कंपेयर किया जब लिमिट से कंपेयर किया तो ये लिमिट के अंदर ये पूरा वैल्यू यूटिलाइज हो हो जा हो जा रहा था तो ये बीस हजार रूपए जब पूरा यूटिलाइज हो गया तो यही बीस हजार हमने उतारा और उसका पचास परसेंट ले लिया ठीक है तो इटी जी डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अमाउंट कितना दिया गया है दस uh, मतलब दिया नहीं है हमने कैलकुलेट किया है बीस हजार रुपया तो दिया हुआ था हमने जब फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो आया है दस हजार रुपए वैल्यू तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे और आउटर कॉलम में लिखेंगे तो ये हो गया ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज इसको लेस करोगे आप ग्रॉस टोटल इनकम में से तो ये आ गया फाइव लाख सिक्सटी थाउजेंड ये हो गया टोटल इनकम